हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री गुरु। तो चलिए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। और आप एग्रीकल्चर पेपर वन ऑप्शनल सिलेबस में आपको ये चीज़ मिल जाएगा, वीड कंट्रोल। तो वीड को जो कंट्रोल हम करते हैं ना, वो बहुत ही तरीके से कर सकते हैं। वो हम प्रिवेंटिव मेथड में कर सकते हैं, क्यूरेटिव मेथड में कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव मेथड। आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, 1.25x या फिर 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस, और आपका टाइम भी बहुत सेव होगा। तो वीड कंट्रोल मेथड में आप देख सकते हैं प्रिवेंटिव मेथड, ये जो दिया है ये प्रिवेंटिव मेथड है। ये सारे चीज़ आप लिखेंगे प्रिवेंशन में। दो तरह के होता है वीड कंट्रोल मेथड्स, मैंने जैसे कि आपको बोला, एक होता है प्रिवेंटिव, दूसरा होता है क्यूरेटिव। तो फर्स्ट वन विल डिस्कस अबाउट प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मेथड को आप कल्चरल मेथड में भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जब हमें कल्चरल मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा ना, वहाँ पे मैं आपको एक क्लैरिटी दूंगा कि कैसे आप प्रिवेंटिव मेथड को कल्चरल मेथड में ऐड कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको प्रिवेंटिव मेथड को जानना चाहिए। जैसे कि सोइंग ऑफ वीड फ्री सीड्स, जो हम सीड्स सो करते हैं, जो हम क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, जो हम प्लांटिंग मटेरियल प्लांट करते हैं, तो उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। वो सारे सीड्स या फिर जो हम सीडलिंग ट्रांसप्लांट करते हैं, सीडलिंग प्लांटिंग करते हैं, वो वीड फ्री होना चाहिए। सो ये एक प्रिवेंटिव मेथड है वीड कंट्रोल का। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ वीड अलोंग द कैनल्स एंड इरिगेशन चैनल। देखिए, ये जो कैनल्स एंड इरिगेशन चैनल के थ्रू वीड डिस्पर्सन होता है। अगर आपको वीड डिस्पर्सन के बारे में पता नहीं, तो हमारे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। वहाँ पे वीड का डिटेल सिलेबस, वीड साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस है ना, वहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि वीड का डिस्पर्सन या फिर वीड का डिसमिनेशन होता है थ्रू कैनल एंड इरीगेशन चैनल। तो यहाँ पर वही सारे चीज़ दिया गया है, कैनल एंड इरीगेशन चैनल से वीड को रिमूव करना है पहले, नहीं तो वीड स्प्रेड कर जाएगा। केयर इन ट्रांसप्लांटिंग, जो अभी मैंने आपको बताया कि सीडलिंग, जो सीडलिंग होता है ना, वो ट्रांसप्लांटिंग करते वक्त वीड इन्फेस्टेशन हो जाता है। देन वेल रटन मैन्योर। देखिए, मैन्योर में कुछ वीड रह जाता है, और वीड का जो वीड सीड का ड्यूरेशन है ना, लाइफ साइकिल ना, बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक वो वहाँ पे अलाइव रहता है। सो इसीलिए जब आएगा हम डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअली हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक इंडेक्स है, आप क्या क्या लिखेंगे अगर आता है वीड कंट्रोल मेजर्स में प्रिवेंटिव आता है, तो क्या क्या लिखेंगे, ये सब इंडेक्स है। उसके बाद अवॉइडिंग पासिंग ऑफ कैटल फ्रॉम वीड इन्फेस्टेड एरियाज। ओबियसली कैटल, गोट या फिर कुछ भी, अगर ब्राउजिंग ग्रेजिंग एनिमल के थ्रू भी बहुत सारे वीड इन्फेस्टेशन होता है, इसीलिए उनको प्रोहिबिट करना है। जो वीड इन्फेस्टेशन एरिया में जाने के लिए उनको प्रोहिबिट करना है लाइफ स्टॉक को। देन क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस, क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें आएगा, रोटेशन, क्रॉप रोटेशन आएगा, फैलोइंग आएगा, ये सब क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर हम लिखेंगे। देन एनफोर्समेंट ऑफ वीड लॉ। वीड लॉ इंडिया में इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है, इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, तो वीड लॉ एनफोर्स करना है। क्वारंटाइन मेथड्स एंड यूज ऑफ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, क्वारंटाइन मेथड्स फॉलो करना है, और उसके साथ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड भी हम यूज कर सकते हैं। सो एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्यूरेटिव है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन प्रिवेंटिव में ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज सोइंग ऑफ वीड प्री क्लीन सीड। ओबियसली अगर हम क्लीन सीड यूज करेंगे तो वीड इन्फेस्टेशन कम होगा, कंटामिनेटेड सीड ग्रो नहीं करना है, कंटामिनेटेड सीड से दूर रहना है। इसीलिए हम लेंगे तो सर्टिफाइड सीड ही लेंगे, अनसर्टिफाइड सीड को नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पे सीड कंटामिनेशन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। सो एग्जांपल के लिए आप याद रखेंगे, जो क्रूसीफेरस क्रॉप है ना, रेडिस, कलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकोली, ये सब क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग होता है। अगर ये आपको पता नहीं, तो हमारे जो एग्रोनॉमी के प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे एग्रोनॉमी का डिटेल, ईच एंड इंडिविजुअल क्रॉप के बारे में डिटेल्स दिया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारी चीज़। तो जो क्रूसीफेरी क्रॉप्स है ना, उनको कौन इन्फेस्ट करता है आपको पता है? एडजेमन मैक्सिकाना, बहुत ही डेडली वीड है,
इसका पिक्चर देखना चाहेंगे? देखिए, ये जो है ये आर्जेमोन मेक्सिकन है, उसका फैमिली पेपरवरासी है। ओके, तो क्रूसीफेरी क्रॉप्स को ये आर्जेमोन मेक्सिकाना बहुत डेडली अफेक्ट करता है। ओके, सो इसीलिए क्वालिटी क्लीन सीड आपको लेना चाहिए। आर्जेमोन मेक्सिकाना क्रूसीफेरी जो क्रॉप्स है ना, उसके सीड के साथ मिक्स हो जाता है, इसीलिए हमको क्लीन सीड लेना चाहिए, स्पेशली इन क्रूसीफेरी फैमिलीज। ओके, नेक्स्ट कम्स टू यूज ऑफ क्लीन इम्प्लीमेंट्स। जो इम्प्लीमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, कल्टीवेटर, हैरो, सीड ड्रिल, ये सब क्लीन होना चाहिए। ओके, मतलब जो वीड डिस्पर्सन में जो जो चीज़ हेल्प करता है ना, उसको हमको प्रोहिबिट करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है। प्लेबैक स्पीड को और थोड़ा बढ़ा दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस, 1.25x या फिर 1.5x। ओके, नेक्स्ट कम्स टू रिमूवल ऑफ वीड्स अलॉन्ग कैनल्स एंड इरीगेशन चैनल। ऑलरेडी वी डिस्कस दैट वीड सीड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू वाटर, सो वी हैव टू चेक दैट कैनल एंड इरीगेशन चैनल। वी हैव टू चेक दिस चैनल्स वेदर इट इज़ इन्फेस्टेड विथ वीड और नॉट। इफ इट इज़ इन्फेस्टेड विथ वीड, देन डोंट यूज़ दैट वाटर इन योर इरीगेशन फील्ड, इन योर क्रॉप फील्ड। केयर इन ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग और प्लांटलेट्स। ओब्वियसली ट्रांसप्लांटिंग टाइम में भी आपको केयरफुल रहना है, वीड पॉट के साथ, जो पॉली पॉट के साथ, या फिर वीड किसी ट्रांसप्लांटिंग इक्विपमेंट्स के साथ आ सकता है, सो उसे प्रोहिबिट करना है। यूज ऑफ वेल रटेंड मैन्योर, जैसे कि मैंने बोला आपको, जो कन्वलस एरवेंसिस है ना, जो वीड, इसका सीड 50 ईयर्स तक वायबल रह सकता है। देखेंगे कैसे दिखता है वो। देखिए, ये है कन्वोलिस एरवेंसिस, देख सकते हैं। ये पिक्चर, जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है ना, इस ये क्या होगा, आपके एग्जाम में टाइम काम आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको याद आ जाएगा वहाँ पे। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा वाला सीड बहुत ज़्यादा दिन तक वायबल रह सकता है, तो वो है कन्वोलस एरवेंसिस, ये वीड सीड। सो इसीलिए तो ये प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा डेंजरियस है। दूब, साइनोडोन डैक्लियन, साइप्रस ओटुंडस, ये बहुत ही कॉमन वीड है। ये 2 to 5 ईयर्स तक एलिव रह सकता है, वायबल रह सकता है। सो फॉर मेकिंग मैन्योर द काउडंग इज जनरली हिप्ड। इफ द हिपिंग पीरियड इज शॉर्ट, द सीड्स डू नॉट लूज इट्स वायबिलिटी एंड ग्रोज इन द फील्ड वेर एवर मैन्योर इज अप्लाइड। सो ओनली वेल रटन मैन्योर शुड बी यूज। अगर अगर मैन्योर वेल रटन नहीं होगा ना, तो ये जो वीड सीड्स है उनके साथ इन्फेस्टेशन हो जाएगा, उनके साथ डिस्पर्जल हो जाएगा। पर अगर वेल रटन मैन्योर होगा, बहुत टाइम तक रटन करने के लिए हम अगर छोड़ देंगे ना, तो ये वीड सीड एस्फिक्सन की वजह से, एस्फिक्सन लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो डेथ हो जाएगा। ये कन्वोलिस एरवेंसिस एक वीड दिखाया जिसका वायबल पीरियड उसका सीड का 50 ईयर प्लस। अवॉइडिंग पासिंग ऑफ कैटल फ्रॉम वीड इन्फेस्टेड एरिया। ऑब्वियसली मैंने आपको बता चुका हूँ, ग्रेजिंग इन वीड इन्फेस्टेड फील्ड होगा तो ऑब्वियसली डिसेमिनेशन वीड इजीली हो सकता है। क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में बहुत सारे चीज़ आएगा। पहले तो आप देख लीजिए, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन प्रिवेंट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीड। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमारे कल्चरल मेथड है वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्रॉप रोटेशन अगर आप करेंगे ना, तो वीड सप्रेस हो जाएगा, कैसे होगा वो हम देखेंगे। हायर प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, ऑब्वियसली डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो वीड सप्रेस हो जाएगा। हमारे जो क्रॉप पॉपुलेशन जो अगर ज़्यादा होगा तो वीड सप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट का रिक्वायरमेंट है ना वीड ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट है वीड ग्रोथ के लिए। अगर ऑलरेडी प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस है, तो वीड सप्रेस हो जाएगा, वीड ग्रो नहीं कर पाएगा। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इन द रूट जोन। अगर हम फर्टिलाइजर या फिर न्यूट्रिएंट आप बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे रूट जोन में, तो वीड को तो नहीं मिलेगा, तो वीड कैसे ग्रो करेगा। सो इसीलिए प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए। फास्ट एंड विगरियस ग्रोइंग वेराइटीज़, अगर आप प्लांट करेंगे फास्ट एंड विगरियस ग्रोइंग वेराइटीज़, देन फास्टली विगरियसली वो ग्रो कर जाएगा, वीड डेवलप होने के लिए चांस ही नहीं मिलेगा। देन एनफोर्समेंट ऑफ वीड लॉज, ओब्वियसली जैसे कि मैंने डिस्कस किया, कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है इंडिया में। एक लॉ कर्नाटक में पास किया गया है, जहाँ पे पार्थेनियम को वो लोग नॉक्सियस वीड में कैटेगराइज करते हैं, तो कर्नाटक में ये पार्थेनियम के लिए लॉ है, बट
मोर लॉ शुड बी देयर और मोर स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी देयर, क्योंकि अभी भी स्टेट के बीच या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल के बीच इंडिया में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है अबाउट वीड। ओके, क्वारंटाइन लॉस, ओब्वियसली क्वारंटाइन फैसिलिटी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो जैसे कि पार्थेनियम और आर्जेमोन, ये सब बाहर कंट्री से हमारे अंदर आता है ना, ये सब इंपोर्ट करके हम लाए हैं, तो अगर ऐसा कुछ क्वारंटाइन लॉ होता तो ये शायद नहीं आता। ओके, वट एवर इट मे बी, बट वी नीड सम क्वारंटाइन लॉस। देन प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स, यस, बहुत सारे प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स है, ये हम केमिकल कंट्रोल ऑफ वीड में पढ़ेंगे, जो वीड कंट्रोल का एक केमिकल आएगा, केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड में वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हर्बिसाइड के बारे में, कितना तरह के हर्बिसाइड होता है, प्री इमर्जेंस क्या है, पोस्ट इमर्जेंस क्या है, सॉयल में क्या एप्लीकेबल होगा, फोलिएज में क्या एप्लीकेबल होगा, बहुत सारी चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारे वीड, ये प्रिवेंटिव मेजर था, और इसको आप कल्चरल में भी लिख सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल्चरल में भी इसको आप लिख सकते हैं, वी विल सी इन कल्चरल मेथड हमने इसको ऐड करेंगे। सो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो ऑप्शनल का वीडियो है ना, जो ऑप्शनल और हमारे जो वीडियो, आपको अप टू डेट टाइम आपको मिल सकता है, कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, हमारे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।